हाय दोस्तों, टेक्निकल सीव टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यूट्यूब चैनल पे आज हम एक न्यू वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि न्यू सेलिंग फ़ैन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे फिट किया जाता है। बहुत ऐसे होता है कि बहुत सारे दोस्त को न्यू सेलिंग फ़ैन मिलता है तो कैसे उसको फिट करते हैं ये पता नहीं रहता है। तो चलिए, आज ये मेरा वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा न्यू सेलिंग फ़ैन इंस्टॉल करने के बारे, तो आपको फिर दोबारा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो केवल बता रहे हैं हम आपको कि सेलिंग फ़ैन कैसे इंस्टॉल किया जाता है, बस स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए, हम अपना सेलिंग फ़ैन खोल लेते हैं। ये हेवल्स का सेलिंग फ़ैन है, बहुत ही अच्छा है, हेवल्स निकोला। इसका MRP आपका लगभग 3150 रुपया है। तो चलिए, हम आपको न्यू सेलिंग फ़ैन इंस्टॉल करने के बारे में बताते हैं। चलिए, पहले फ़ैन को खोल के निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम न्यू सेलिंग फ़ैन खोल लिए हैं। देखिए इसका ब्लेड कितना स्टाइलिश है। ये जब फिट हो जाएगा तो देखने में लगेगा कि हाँ, फ़ैन है, बहुत अच्छा। इसका स्टाइलिश फैशन बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसका लुक जो है देखने लायक है। तो चलिए, हम फ़ैन निकाल लेते हैं। ये इसका डंडा है फ़ैन का, तो चलिए हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे फिट किया जाता है। चलिए दोस्तों, इतना सारा देखिए ये फ़ैन का ही सामान है। तो चलिए, एक एक करके हम आपको बताते हैं कि फ़ैन में क्या क्या सामान है। ये देखिए, फ़ैन के बारे सबसे पहले बता रहे हैं। ये देखिए, इसमें कैपेसिटर लगा है, 2.5 का कैपेसिटर लगा है। इसमें देखिए, ऑलरेडी न्यू फ़ैन है तो कनेक्शन किया हुआ है, तो इसमें आपको शायद दिक्कत नहीं होगी कनेक्शन करने में। तो चलिए, हम सबसे पहले कैसे कनेक्शन किया जाता है वो भी बताएँगे। सबसे पहले डंडा को खोल लेते हैं, जो फ़ैन डंडा है इसको खोल के निकाल लेते हैं। सील किया हुआ है, हेवल्स का है, तो फैन का लुक बहुत अच्छा है। ये डंडा है, और ये देखिए, ये फैन का ढक्कन है जो इसमें डंडा में घुसेगा, इसमें डंडा में लगाना है। और ये जो रबर देख रहे हैं आप, ये आपका सेलिंग फ़ैन के ऊपर में लगेगा, छत में, इस टाइप के। इसको ये स्क्रू खोल करके इसको लगाना है। तो इसके बारे भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे इसको लगाना होगा। सबसे पहले इसके ई को निकाल लेना होगा, क्लिप को निकाल लीजिए इस टाइप से, और इसके स्क्रू को खोल के ढीला कर लेना होगा, पूरा हटाना पड़ेगा स्क्रू को इस टाइप का। हल्का ऊपर वाला को भी ढीला कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके डंडा को लगा लेते हैं। देखिए, ये जो ढक्कन दिया हुआ है, हमेशा देखिए कि ढक्कन ऊपर रहेगा, ठीक है, और ये जो रहता है ये नीचे रहेगा। देखिए, यहाँ पे कटिंग किया हुआ, इस साइड में कटिंग किया हुआ नहीं है, यहाँ पे कटिंग किया हुआ। ये कटिंग इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये यहाँ से जो वायर घुसेगा ऊपर से, सेलिंग से जो वायर आएगा फ़ैन का इन होगा, वो यहाँ से घुस करके सीधे यहाँ पे निकलेगा, इस कारण ये नीचे रहता है, ठीक है। हमेशा आपको अगर ये कन्फ्यूज रहिएगा कि ये डंडा किधर से रहेगा, तो हमेशा देखिए कि जो कटिंग किया हुआ रहेगा वो डंडा आपका नीचे रहेगा, ठीक है। तो चलिए, हम आपको बता देते हैं कैसे रहेगा। तो देखिए, इसको लगाना है इस टाइप का, इस टाइप का। तो इसके नीचे वाला क्लिप को पहले हटा लेते हैं, हम नीचे वाला को हटा लेते हैं क्लिप को, नट बोल्ट इसको खोल लेते हैं। ये आपका नीचे का नट बोल्ट है, इस ये तो आपका ऊपर का हो गया, ये आपका पार्ट ऊपर का हो गया, ये आपको नीचे का हो गया। तो इसके नट बोल्ट को हटा लेते हैं, उनको हटा करके देखिए, ये जो दो दिया हुआ है ये आपका डंडा को क्लिप करके रखेगा, हमेशा रिपीट करके रखेगा, जिस कारण ये दिया हुआ रहता है। तो चलिए, इसको लगा लेते हैं। देखिए, इसको लगा ले रहे हैं। इस टाइप से लगाना है, ये क्लिप यहाँ पे लगा दिए हैं रिपीट, और ये दूसरा रिपीट आपको फैन में इस साइड से लगाना है। देखिए, इस साइड से, उसके बाद आपको पत्ती लगेगा। पत्ती लगाने के बाद छोटा नट लगा दीजिएगा, नट बोल्ट छोटा लगाइएगा, उसके बाद फिर आपका बड़ा लगाइएगा, बाहर से बड़ा रिपीट रहेगा। तो चलिए, हम लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, वीडियो बड़ा लंबा ना हो जाए।
इसलिए आपको ही करके दिखा रहे हैं। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम नट बोल्ट लगा लिए हैं, अब इसको टाइट कर दे रहे हैं। टाइट रहना चाहिए, ये ढीला नहीं रहना चाहिए। और इसकी क्लिप जो है, देखिए ये क्लिप है, क्लिप को अच्छे से सीध करके ऊपर से लगाना होगा जिससे नट बोल्ट ना निकल सके। और इस क्लिप को आप इस टाइप का खोल दीजिएगा ताकि मेरा नट बोल्ट निकल ना सके बाहर। देखिए इस टाइप का खोल देना है, इस टाइप का इसको आपका इसको ये खोला हुआ रहना चाहिए। देखिए हम बता रहे हैं, वो देख लीजिए जो क्लिप लगा हुआ है, देखिए क्लिप को इस टाइप का चौड़ा कर देना है, सीधा नहीं रखना है। तो चलिए आप लगा लिए उसको। ब्लेड सबसे, फैन का ब्लेड सबसे बाद में लगेगा, इससे आपको इंस्टॉल करने में सुविधा होगी। तो चलिए दोस्तों इसका डंडा तो लगा लिए, अब भी इसमें वायर कनेक्शन करेंगे। तो वायर कनेक्शन पहले करने से पहले देखिए इस टाइप का टेप लगा लीजिएगा वायर में, और इससे वायर लगाने में दिक्कत नहीं होगी, आराम से वायर लगेगा। दोनों छोर में वायर लगा टेप मार दीजिएगा, इससे हमको वायर इधर से उधर निकालने में अच्छी सुविधा होगी, आराम से निकलता है ऐसा में। तो कुछ ज़्यादा ही मार ही नहीं करना है, हल्का सा लगाना है। तो चलिए हम वायर दोनों साइड लगा दे रहे हैं, देखिए दोनों साइड लगाए। अब इधर से नीचे से डालना है वायर, देखिए ये जो होल है ये होल से यहाँ तक आएगा, तो हमको पहले यहाँ से डाल के ऊपर नहीं निकालना है, खाली इधर से डालना है और यहाँ निकाल के यहाँ तक पहुँचा कर इसके मुँह तक पहुँचा कर छोड़ देना है। तो इस टाइप का कर करके हम देखिए इस टाइप का वायर डाल रहे हैं, तो उसका मुँह तक जाएगा, उसके बाद उसको छोड़ देना है, वायर पूरा बाहर नहीं निकालना है क्योंकि मेरा ऊपर से फिर ढक्कन लगेगा। तो चलिए देखिए मेरा वायर यहाँ तक आ गया है, अब उसको रहने देते हैं इसे ही। अब इससे पहले हमको इसका ढक्कन लगाना होगा, दो को ढक्कन रहता है, दो ढक्कन, देखिए एक में हेवल्स लिखा हुआ है, एक में हेवल्स लिखा हुआ, तो ये ढक्कन आपका ऊपर लगेगा इस टाइप से, इस टाइप से लगेगा, तभी आपका दिखेगा कि हाँ ये कंपनी का है और लिखा हुआ भी सीधा रहेगा। तो चलिए पहले इस ढक्कन को डालते हैं इसमें, उसके बाद उसको डालेंगे। इस टाइप का लगाना है ढक्कन। तो चलिए हम ये एक तो लगा दिए, एक लगा दिए, अब एक को ऐसा डालेंगे, ऐसा डालना ये ढक्कन ऊपर साइड से इस टाइप से, ताकि ये आपका सेलिंग पे इस टाइप से सेलिंग में सटेगा। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं इस टाइप से लगाना है। चलिए दोस्तों देखिए हम दोनों ढक्कन लगा लिए हैं, अब ये जो मुंह तक वायर जो हम निकाल के रखे थे इस ढक्कन को हम निकाल लेते हैं, अब इसके वायर को निकाल लेते हैं इस टाइप से करके, आराम से निकलता है। तो देखिए वायर मेरा आ गया है बाहर तक, देखिए आराम से वायर निकलता है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब वायर मेरा तो निकल गया है, इसमें कनेक्शन करना होगा। तो कनेक्शन करने के लिए भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे कनेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों इसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है, देखिए इसमें नीचे वाले टर्मिनल पे दो वायर हैं, एक कैपेसिटर के हैं, एक कैपेसिटर के हैं और एक इनका मेन वायर है रेड कलर का जो दिख रहा है, वो आपका वाइंडिंग से आया हुआ है। और एक ये जो दिख रहे हैं बीच वाले टर्मिनल पे, ये टर्मिनल पे एक कैपेसिटर है, इसमें एक कैपेसिटर का है एक वायर, और एक वायर इसका जो ब्लैक वायर दिख रहा है वो है, और ऊपर वाले पे दिख रहे हैं जो ये आपका कॉमन है वाइंडिंग से आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसके टर्मिनल पे खोल लेते हैं, टर्मिनल को खोल के इसमें आपका रेड वायर जो दिख रहा है इसमें आप फेज डालिएगा, और इसमें आप ऊपर वाला में न्यूट्रल डालिएगा, बीच वाला में कुछ डालना नहीं है। तो चलिए इसको देख लीजिए, इसके खोल लेते हैं पहले, इसे खोल ढीला कर लीजिए दोनों स्क्रू, उसके बाद नीचे वाला पे फेज डालना है, नीचे वाले टर्मिनल पे फेज लगेगा।
चलिए दोस्तों नीचे वाला टर्मिनल पे हम फेज लगाते हैं, फेज वायर को देखिए, फेज वायर इसमें लगाते हैं। फेज वायर लगा के इसके स्क्रू को टाइट करना है अच्छा से, इससे लूज नहीं रहना चाहिए। अब सबसे बीच वाला टर्मिनल पे कुछ वायर नहीं लगाना है क्योंकि इसमें ऐसे जगह भी नहीं दिया हुआ है, तो ऊपर वाले टर्मिनल पे आप ब्लैक लगाइएगा इस टाइप का। चलिए हम ब्लैक भी लगा दिए हैं। अब हमको ब्लेड लगाना होगा, फैन का ब्लेड लगाएंगे। तो ये जो ब्लेड लगेगा देखिए, इसमें ये जो स्क्रू जो है, ये स्क्रू खोलना है, बीच वाला जो नीचे सबसे उसको नहीं खोलना है। तो चलिए दोस्तों हम ब्लेड भी लगा लेते हैं। कभी भी फैन का ब्लेड देखिएगा, जो डिजाइन किया हुआ रहता है वो आपका नीचे आएगा, ठीक है, इस टाइप से। ये मेरा देखिए डिजाइन किया हुआ है, तो मेरा ये नीचे आएगा और ये ऊपर रहेगा, तो इस टाइप से ब्लेड लगाना। तो चलिए एक एक करके ब्लेड लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम तीनों ब्लेड लगा लिए हैं। अब मेरा केवल यही पार्ट्स बाकी है जो ऊपर में लगेगा, यहाँ पे लगेगा, उसी को नहीं लगाया है, तो उसको भी लगा लेते हैं। इसको इस टाइप से लगाना है, देखिए इसको थोड़ा ढीला कर लिए। अब इसको ये तो ऐसे सीधा सीधा तो घुसेगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं इस टाइप से, और एक इधर से और एक इधर से करके इस टाइप से लगाना है। इसमें आराम से लगेगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, देखिए इस टाइप से। अब ये जो है इसको डाल देना है सीधे, डाल के इसकी जो पत्ती है, पत्ती को पहले डालिएगा, देखिए पत्ती को डाल के इसके नट बोल्ट को टाइट कीजिएगा, बस हो गया आपका फैन इंस्टॉलेशन। और तो चलिए दोस्तों ये हेवल्स जो का जो फैन है, इसका हम आपको नीचे का लुक दिखा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लुक है इसका, देखते ही बनता है। देखिए दोस्तों इसका लुक देखिए कितना मस्त लग रहा है, देखिए। तो चलिए दोस्तों आपको अगर सेलिंग फैन इंस्टॉलेशन करना नहीं आता है, न्यू सेलिंग फैन, तो इस टाइप का इंस्टॉलेशन कीजिएगा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मेरा लेटेस्ट वीडियो फिर से बहुत जल्द आने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।